कैरामल पुडिंग बनाने के लिए एक पैन रखे मैं फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ। इसमें 3 टीस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। इसको मीडियम फ्लेम रख के इसको बस हिलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, अभी ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसको इस तरह से देखिए, मेल्ट होना शुरू हो गया है। अभी हल्का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। और थोड़ा डार्क कर लेंगे कलर। देखिए दोस्तों, हल्का कलर ब्राउन हो गया है। अभी बोल ली हूँ इसको, इसमें थोड़ा ग्रीस करके आयर इसको रख ली हूँ, इसमें इसको डाल देंगे। देखिए दोस्तों, बोल में डाल चुकी हूँ। देखिए चुकी हूँ, इसको अच्छे से इस तरह से फैला लीजिए। देखिए दोस्तों, इधर मैं 400 ml दूध लेके इस तरह इसको गर्म होने के लिए रख चुकी हूँ। और ये गर्म हो रहा है, इसमें 1 कप 4 टीस्पून चीनी ऐड कर लेंगे। आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से चीनी भी ले सकते हो। इसको देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। अभी फ्लेम बंद करके इसको निकाल लेंगे नीचे। देखिए इसको नीचे निकाल के इसमें 3 अंडे ऐड फोड़ के डाल रही हूँ। मैं 3 अंडे ली हूँ इधर। मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद चल रहा है। अभी ये कैरेमल ठंडा हो गया है, इसमें इसको छान के डाल लेंगे। देखिए इसमें सारा छान ली हूँ मैं। देखिए इधर एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रखी हूँ, इसमें इसको रख देंगे। रख के इसको ढक के स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, इसको ढक के कम से कम 30 मिनट। देखिए दोस्तों, ये कम से कम आधा घंटा हो गया है। देखिए ये कितना अच्छे से फूल भी गया है और ये पक गया है। इसको निकाल देंगे। देखिए इसको बाहर निकाल चुकी हूँ मैं। इसको फ्रिज में कम से कम 1 घंटा तक रख दें। देखिए दोस्तों, ये अभी ठंडा हो चुका है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा टैप करने से अच्छे से आ जाएगा। देखिए आसानी से निकल गया है। देखिए दोस्तों, अच्छे से सेट भी हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।